Very good evening and special welcome to all in the second session of the Media e Conference organized by Media Wing of Brahma Kumaris on the theme Challenges and Opportunities for Media in Changing Times. Aj e Conference ke second session ka vishay hai enhancing positive attitude. and healthy lifestyle among media persons. Media कर्मियों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ जीवन शैली का संवर्धन में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सुबह आपने इनगरल सेशन में परम आदरणीय मोहिनी दीदी जी का सानिध्य अनुभव किया और अब बड़ी खुशी की बात है कि इस सेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इस विषय पर पी के शिवानी बहन के सुविचार सुनेंगे मुझे ये बताते हुए अति हर्ष महसूस हो रहा है कि इस सेशन में जो अमूल्य विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ हैं एमिनेंट स्पीकर्स बी.के. शिवानी बहन मिस्टर राजेश असनानी, श्री वाई बापजी डॉक्टर बी.के. सविता दीदी डॉक्टर श्रीमंत के साहू डॉक्टर मोहित गुप्ता डॉक्टर अवदेश शर्मा डॉक्टर विवेक भाई प्रोफेसर ओंकार चंद और बी के मंजू दीदी जैसे ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान पधारे हैं आज ऑनलाइन मंच पर यह विशेष मेहमान करते हैं आदरपूर्वक उनका स्वागत और सम्मान हमारे पहले वक्ता हैं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जो हमारे साथ जुड़ रही हैं ब्रह्म हेडक्वार्टर्स शांतिवन से आप मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ सीनियर राजय टीचर हैं आप ब्रह्मकुमारीज के आर ए आर एफ के वुमेन्स विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं देश विदेश में भ्रमण कर अनेक आत्माओं को आपने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाभान्वित किया है आइए सुनते हैं सीनियर राजय टीचर डॉक्टर सविता बहन से आज के विषय के ऊपर उनका शुभ मनन ओम शांति मीडिया प्रभाग के द्वारा मीडिया कर्मियों के लिए आ, मीडिया ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है इस सत्र का विषय है एनहेंसिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल इन मीडिया हम सभी जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया में समाज को प्रभावित करने की क्षमता है ये एक बेहतर समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि मीडिया व्यक्ति के मानस पटल पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है जब हम मीडिया शब्द कहते हैं तो इसमें पांच लेटर हैं, एम ई डी आई ए हर एक लेटर का अपना एक वैल्यू है जो मीडिया के उद्देश्य को परिभाषित करता है एम मीन्स मैसेजर E means entertainment and education, D means development, I means inspiration, A means awareness. तो मीडिया जो है वो समाज को सूचनाएं देता है संदेश देता है जो भी मैसेजेस हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित होते हैं तो यहाँ पर मीडिया का उत्तरदायित्व बनता है कि हम जो भी समाज के आगे ले जा रहे हैं उससे व्यक्ति और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम सोचते हैं कि सूचनाएं तो सूचनाएं हैं जो जैसा समाचार आ रहा है वैसा ही देना है लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है अगर उसको हम हेडलाइंस में दे रहे हैं हालांकि उसका इतना महत्व नहीं है जैसे कहा जाता है कि सबसे बुरी खबर ही मीडिया की सबसे अच्छी खबर होती है तो ऐसे खबरें व्यक्ति को समाज को तनाव देती हैं तो यहाँ हम पॉजिटिव जितना हो सके हमें पॉजिटिव रहना है ई मीस एंटरटेनमेंट जो मनोरंजन हम मीडिया के द्वारा व्यक्ति समाज का करते हैं वो मनोरंजन का स्तर क्या है हम स्वस्थ मनोरंजन दें जो उनकी भावनाओं को दूषित ना करे जो उनकी कमियों को बढ़ावा ना दे आज का जो मनोरंजन है उसका स्तर इतना घटिया है आ, लोग सोचते हैं कि अपराध और सेक्स को ही लोग पसंद करते हैं और इससे ही टीआरपी बढ़ती है लेकिन हम सब जानते हैं कि जब रामायण महाभारत जैसे सीरियल चले जब ऐतिहासिक सीरियल चलते हैं तो उन्हें भी जनता पसंद करती है तो ये है कि हम कैसी रुचि उनमें जागृत करते हैं से ही डी मींस डेवलपमेंट समाज के पुनर्निर्माण में मीडिया का योगदान सदा से ही रहा है जब भी आवश्यकता होती है तो वो जन आंदोलन को उत्प्रेरित करता है आज जनता की आवाज को वो उठाता है से ही आई मीन्स इंस्पिरेशन जो प्रेरित करता है ऐसा समाज बने जो जातिवाद क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता से धर्म के भेदभाव से मुक्त हो ऐसी प्रेरणा मीडिया दे से ही अवेयरनेस लाना जन जागरण करना आज जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं कुरीतियां फैली हुई हैं अंधविश्वास फैले हुए हैं उनके प्रति जनता में जागृति पैदा करना तो ये उसका सकारात्मक पक्ष है बहुत हद तक मीडिया अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करता है लेकिन आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसायिक युग में कहीं कहीं देखने में आता है कि वो अपने लक्ष्य से फटक जाते हैं तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जब हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं तो उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य पूंजी है इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ हम स्वस्थ हैं तभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में हम सफल हो सकते हैं अपने ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो स्वास्थ्य में हम कहेंगे स्वस्थ जीवन शैली में आहार विहार व्यवहार और विचार ये जीवन शैली का हिस्सा है हम कैसा आहार लेते हैं कैसा हमारा विहार है यानी हमारा शारीरिक श्रम कितना है हमारा व्यवहार और विचार कैसा है तो जो आहार हम लेते हैं अगर वो संतुलित है पौष्टिक है तो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है ऐसा आहार उसे हम कहेंगे हाई फाइबर लो फैट लो सॉल्ट लो शुगर डाइट ये स्वस्थ आहार होता है लेकिन अगर हम लो फाइबर हाई फैट हाई सॉल्ट हाई शुगर डाइट लेते हैं जैसा कि आज की जीवन शैली में देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जंक फूड खाना पसंद करते हैं खासकर जो आज की पीढ़ी है बर्गर खाना पिज्ज़ा सैंडविच नूडल्स ये अधिक मात्रा में उनके भोजन का हिस्सा होते हैं और इसमें मैदा होता है जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते तो अनेक प्रकार के रोग कम आयु में ही होने लग जाते हैं और उसमें भी अगर व्यसन है मानो स्मोक करते हैं ड्रिंक करते हैं तो और ही दुष्प्रभाव पड़ता है अभी हमने समाचार सुना एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का असमय कम आयु में 40 वर्ष की आयु में ही हार्ट अटैक से निधन हो गया तो क्यों इतना कम आयु में युवाओं का निधन होता है चलो सिद्धार्थ शुक्ला तो प्रसिद्ध थे तो पूरे देश को उनके निधन का समाचार मिला लेकिन ऐसे कितने ही युवा कम आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं कारण कि उनकी स्वस्थ जीवन शैली नहीं है उनका स्वस्थ आहार नहीं है तो हमें अपने आहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है अब जैसे फ्राइड फूड खाना पसंद होता है आए दिन पार्टी करते हैं तो समोसा कचौड़ी गुलाब जामुन या पूड़ी पकोड़े ये हमारे भोजन का हिस्सा बनते जा रहे हैं तो जितना फ्राइड फूड अधिक खाएंगे, उतना वो आर्टरीज जल्दी ब्लॉक होती हैं उतना ही मोटापा बढ़ता है और वो अनेक बीमारियों को जन्म देता है दूसरा आता है विहार यानी हमें प्रत्येक व्यायाम करने की आवश्यकता है क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो आरामदायक जीवन शैली है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हम कुर्सी पर बैठे होते हैं कंप्यूटर के सामने होते हैं हमारे अधिक घंटे ऐसे ही व्यतीत होते हैं और कहीं आना जाना भी हम व्हीकल से ही करते हैं पैदल चलना तो बहुत कम है हम पैदल कितना चलते हैं बेडरूम से ड्रॉइंग रूम तक या फिर बेडरूम से हम डाइनिंग तक जाते हैं तो हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे हमारे शरीर में रक्त संचरण पर्याप्त बना रहे शरीर को ऑक्सीजन फेफड़ों को ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती रहे उसके लिए कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट व्यायाम करना या योगासन प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है और जब हम प्रतिदिन दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम बचे रहते हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हृदय रोग अन्य जो भी रोग हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल है हाई यूरिक एसिड है इन सब से हमारा ये बचाव करती है एक्सरसाइज और अगर ये रोग हो गए हैं तो फिर इन रोगों के निदान में भी हमें व्यायाम करने से मदद मिलती है प्रतिदिन हमें पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है आ, हमें समय से सोना चाहिए समय से उठना चाहिए यानी हम कम से कम छः घंटे प्रतिदिन सोएं। एक कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज लेकिन आज की जीवन शैली क्या है लेट टू बेड लेट टू राइज है क्योंकि हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो देर रात सोते हैं और जब देर रात सोते हैं तो फिर उठते भी हम सुबह देर से हैं और जब हम देर से उठते हैं तो हम अपने आप को समय नहीं दे सकते अपने आप को समय देना यानी वही समय हमारे व्यायाम के लिए या हम ध्यान करना चाहते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं वो अपने लिए समय होता है वो समय हमारा चला जाता है और फिर हम के जल्दी जल्दी अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो हम तो हम अगर हम की साइकिल की बात करें तो नींद की साइकिल एक डेढ़ घंटे की होती है और ऐसे हमें तीन या चार साइकिल हर दिन सोना चाहिए तो अगर रात को हमें कभी देर रात जागना भी पड़ता है क्योंकि मीडिया का क्षेत्र ऐसा ही है कि इमरजेंसीज़ में हमें देर रात तक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तो फिर हम अगर साढ़े चार घंटे की भी गहरी नींद ले लेते हैं तो भी हमारे मस्तिष्क को वो विश्राम देने के लिए पर्याप्त है लेकिन शारीरिक विश्राम पूरी तरह से मिले उसके लिए छः घंटे की नींद यानी चार साइकिल की नींद हमें चाहिए होती है तो फिर अगर हमें बाद में कभी समय मिलता है तो हम थोड़ा रेस्ट अगर दिन के समय भी कर लें तो भी हमारी नींद पूरी हो जाती है क्योंकि नींद के समय ही हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है बॉडी की हीलिंग के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है नहीं तो उसका असर फिर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर आता है और फिर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर आता है तो कोशिश करें कि हम समय से सोएं और समय से उठें कभी कभी इमरजेंसी में अगर ऐसा हो भी जाता है तो अलग बात है लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए और सबसे अधिक हमारे मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी लेकिन आज कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्योंकि जो युग है वो तनाव भय चिंता का युग है आज प्रतिस्पर्धा के युग में इस भाग दौड़ के युग में मनुष्य हर दिन तनाव में रहता है कोई ना कोई समस्याएं जीवन में ऐसी आती रहती हैं जो उसे तनाव और चिंता उत्पन्न करती हैं और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में हानिकारक केमिकल्स बनते हैं और ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं तो लाइफस्टाइल स्टाइल होते हैं आज 80 प्रतिशत बीमारियां जो हैं वो तनाव जनित हैं आ, उसमें ब्लड प्रेशर है हार्ट की बीमारी है डायबिटीज है और भी अने अनेक अने बीमारियां जो हैं वो इसकी वजह से होती हैं तो हमारा मन स्वस्थ रहे यानी मन में शुद्ध श्रेष्ठ सकारात्मक विचार हर परिस्थिति में हो विशेषकर विपरीत परिस्थितियों में जब तनाव उत्पन्न होता है तभी भी हम अपने मन में श्रेष्ठ विचार आशावादी विचार रख पाए तो हम चाहते तो हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन की गति बहुत तीव्र है अपने मन को कंट्रोल में लाना या अपने मन को सही दिशा में रखना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है तो उसके लिए हमें मन को कुछ समय देना होगा कुछ समय देना होगा यानी हम हर दिन मेडिटेशन करें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आत्म मंथन करते हैं हम अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं हम कुछ अपने मन को भी दे सकते हैं कुछ सुविचार हम अपने लिए प्रतिदिन निश्चित कर सकते हैं कि आज हम इनके चिंतन में मन को रखेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए तो जब हम मन को सशक्त बनाते हैं हमारा आत्मविश्वास बना रहता है हमारा मनोबल ऊंचा होता है हमारी एकाग्रता अच्छी होती है मन शांत रहता है हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमारे मन का स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य करते हुए हम अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें और उसके लिए हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहे ये अति आवश्यक है तो आप सभी अपने क्षेत्र में सफल हों और स्वस्थ रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति अंतर्मन से विशेष धन्यवाद डॉक्टर सविता दीदी का